भैया ये केवड़िया जाने वाली ट्रेन यही है? यही है, ओके थैंक यू। वेल, कार और फ्लाइट से तो बहुत ट्रैवल कर लिया, बट अब वक्त आ गया है पुरानी यादें ताज़ा करने का बाय डूइंग दिस अमेजिंग ट्रेन ट्रैवल। और ये कोई ऐसी वैसी ट्रेन नहीं है, दिस इज जन शताब्दी केवड़िया। विस्टा डोम कम्स विद अ ग्लास रूफ पैनल, जिससे ना सिर्फ मैं जर्नी इंजॉय कर सकती हूँ बट जर्नी का व्यू भी। तो चलिए मेरे साथ टू सी वर्ल्ड्स टॉलेस्ट स्टैच्यू। वाओ, दिस इज रियली कूल। ऑटोमेटिक डोर, मल्टी लेयर्ड स्टेनलेस स्टील लगेज सूटकेस रैक, ब्यूटिफुल लुकिंग रेड सीट्स, ह्यूज ग्लास पैनल, रूफ दैट इज ऑफरिंग अ गॉर्जियस स्काई व्यू। दिस इज गोइंग टू बी अ लॉट ऑफ फन। वर्ल्ड के टॉलेस्ट स्टैच्यू बनने पर इंडिया के इतिहास में एक नया दौर शुरू हो गया, जिसका नाम है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। इसने ना सिर्फ इंडिया को एक ग्लोबल मैप पर डाल दिया बट इंडियन रेलवे की भी शान बढ़ा दी। इन जैन 2021, 8 to 10 न्यू ट्रेन्स हैव बीन लॉन्च्ड दैट कनेक्ट केवड़िया टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया, बी इट ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ और इवन सेंट्रल। पर इस ट्रेन की खास बात ये है दैट यू हैव विस्टा डोम, व्हिच मींस यू कैन एंजॉय अ पैनोरामिक व्यू एज यू गेट टू द आइकॉनिक स्पॉट ऑफ स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। तो जन शताब्दी केवड़िया शुरू होती है फ्रॉम अहमदाबाद एट 7:55 AM इन द मॉर्निंग, जो पहुंचती है केवड़िया एट अराउंड 10:45। रास्ते में सिर्फ एक ही स्टॉप आता है विच इज़ बड़ौदा अराउंड 9 o'clock इन द मॉर्निंग। तो आप यहाँ अहमदाबाद या बड़ौदा दोनों ही जगह से अपनी टिकट बुक कर सकते हैं। बट अगर आपको विस्टा डोम का पूरी तरह से लुक उठाना हो, सो रिमेंबर टू बुक द EV1 कोच और उसका प्राइस है अबाउट 900 rupees पर पर्सन। The Vista Dome coach comes fully equipped with entertainment system, digital display screen, content on demand, aur apne safar ko aur suhana banane ke liye there is a music speaker too. There has been a lot of development not just in trains but also at both the stations. Western Railway ke Ahmedabad station par divyangjan yatriyon ki sahulat ke liye there is an escalator, lift, executive waiting lounges and so much more. वेल, इस ट्रेन में कई सारे कूल फीचर्स भी है, लाइक दीज सीट्स विच आर फुल्ली रोटेटेबल एज वेल एज रिक्लाइनेबल। अब रिक्लाइनेबल का मतलब तो आपको पता ही होगा, यू कैन जस्ट पुश द सीट बैक एंड एंजॉय अ ग्रेट स्काई व्यू। बट वॉट आई एम मोस्ट इंट्रीक्ड अबाउट इज हाउ दिस सीट एक्चुअली रोटेट फुल्ली 360 degrees। अभी मैं आपको बताती हूँ कैसे। ये देखिए, यहाँ पर अगर मैं रुक जाऊँ तो मैं पूरा व्यू एंजॉय कर सकती हूँ बाहर क्या हो रहा है वो देखने के लिए। और अगर आप अपनी फैमिली के साथ ट्रैवल कर रहे हैं, पूरी तरह से इसे रोटेट कर सकते हैं आप, और आप उनके साथ बैठकर आप बातें और अपना लंच भी शेयर कर सकते हैं। इसी सीट के साथ यू कैन ऑल्सो यू नो ओपन योर डाइनिंग ट्रेस, अगर आप कुछ खा रहे हैं यहाँ बैठकर आप अपना मील अच्छी तरह से इंजॉय कर सकते हैं। द सीट ऑल्सो कम्स विद सम चार्जिंग प्लग पॉइंट्स, जहाँ आप अपनी कोई भी डिवाइस चार्ज कर सकते हैं। जब भी ट्रेन से ट्रैवल करें, ऑलवेज मेक फ्रेंड्स विद द TC। तो मैंने तो काफी एक अच्छा फ्रेंड बना लिया यहाँ पे। मीट मिस्टर KK गोस्वामी। गोस्वामी जी, आई एम वेरी क्यूरियस, यहाँ इंजन अब यहाँ थी, कहाँ चली गई वो इंजन? वो इंजन मैम ऐसा है, अहमदाबाद से जो आगे की साइड में लगता है, हाँ, अभी डबोई में टेक्निकल वजह से डबोई में वो इंजन अभी कट के और आगे जा करके वो इंजन दूसरी पटरी चेंज करके अभी जो पीछे का कोच था वो अभी आगे का कोच फर्स्ट कोच बन जाएगा, क्योंकि इंजन वहाँ लग जाएगा। क्योंकि अभी अपने डिफरेंट साइड में अपना डायरेक्शन चेंज हो जाएगा डबोई टू केवड़िया के लिए।
सो दैट्स व्हाई वो इंजन कट के और अभी जो आगे के साइड में था वो अभी पीछे की साइड में चला जाएगा और अपना विस्टाडोम कोच जो है वो लास्ट कोच हो जाएगा। मतलब अब मुझे अनइंटरप्टेड व्यू मिलेगा 110% एब्सोल्युटली। तो पहुंच गए हम केवड़िया। आई डिडंट इवन रियलाइज हाउ टाइम पास्ड बाय। पहली बार ऐसा लगा है कि काश ये ट्रेन जर्नी और लंबी होती। वेल आई हैव टू से इट वाज क्वाइट अ कंफर्टेबल ट्रेन जर्नी फॉर मी एंड एनीबडी हु लव्स टू ट्रैवल एंड वांट्स टू कम एंड सी द वर्ल्ड्स टॉलेस्ट स्टैच्यू मस्ट ट्रैवल बाय ट्रेन। अब वक्त आ चुका है टू गो एंड सी द स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। Well, I have to say I'm quite impressed by Kevadia Station. It's absolutely green, very, very organized. In fact, it's a green building certified station. यहाँ पर बहुत सारी facilities है passengers के लिए। There are VIP lounges, there are waiting rooms for disabled as well as senior citizens. Also, there's a viewing gallery on the higher floor where you can get a panoramic view of this little town. And Statue of Unity यहाँ से सिर्फ 6 kilometers दूर है, जो ऑन अ रियली गुड डे एंड अ क्लियर डे यू कैन गेट अ ग्लिम्स ऑफ दैट फ्रॉम द स्टेशन। बट मैं स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पास से देखना चाहूँगी, सो लेट्स गो देयर। Wow, this is truly a beautiful sight. Statue of Unity actually signify करता है इंडिया के रिच कल्चर को, जिसे हमेशा signify करते हैं as unity is diversity. सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन्हें आयरन मैन ऑफ इंडिया भी बुलाया जाता था, उनका ये स्टैचू बना है ओवर लुकिंग द नर्मदा रिवर। एंड ये स्टैचू की हाइट है अबाउट 182 meters, विच इज़ वॉट मेक्स इट द वर्ल्ड्स टॉलेस्ट स्टैचू। और आज ये एक ग्लोबल टूरिस्ट स्पॉट हो चुका है, तो अगर आप इंडिया में रहते हैं आपके यहाँ आना तो ज़रूर बनता है। पर जितना खूबसूरत ये स्टैचू दूर से लगता है, उतना ही खूबसूरत ये पास से भी लगता है। देयर आर वेरियस वेज इन विच यू कैन एक्सप्लोर दिस स्पेस। यू कैन आइदर गेट अ टिकट ऑफ 150 rupees, जहाँ यू कैन जस्ट बी ऑन द फ्लोर एंड ऑल्सो विजिट द म्यूजियम। यू कैन ऑल्सो बाय अ टिकट वर्थ 380 rupees, जो आप स्टैचू के ऊपर चढ़ सकते हैं एंड यू कैन एन्जॉय अ पैनोरामिक व्यू ऑफ द नर्मदा रिवर। I really hope you've enjoyed my journey, my train journey rather, and also me exploring the Statue of Unity. I would highly recommend all of you coming here and experiencing the same things that I did. Until then, it's me, Kamya Jani, signing off, and remember to like, share and subscribe to Curly Tales.